ब्राह्मणी और नेवला पंचतंत्र की कहानी। एक बार देवशर्मा नाम के ब्राह्मण के घर जिस दिन पुत्र का जन्म हुआ उसी दिन उसके घर में रहने वाली नकुली ने भी एक नेवले को जन्म दिया। देवशर्मा की पत्नी बहुत दयालु स्वभाव की स्त्री थी। उसने उस छोटे नेवले को भी अपने पुत्र के समान ही पाल पोसा और बड़ा किया। वो नेवला सदा उसके पुत्र के साथ खेलता था। दोनों में बड़ा प्रेम था। देवशर्मा की पत्नी भी दोनों के प्रेम को देखकर प्रसन्न थी, किंतु उसके मन में ये शंका हमेशा रहती थी कि कभी यह नेवला उसके पुत्र को न काट खाए। पशु के बुद्धि नहीं होती, मूर्खतावश वो कोई भी अनिष्ट कर सकता है। एक दिन उसकी इस आशंका का बुरा परिणाम निकल आया। उस दिन देवशर्मा की पत्नी अपने पुत्र को एक वृक्ष की छाया में सुलाकर स्वयं पास के जलाशय से पानी भरने गई थी। जाते हुए वो अपने पति देवशर्मा से कह गई थी कि वहीं ठहर कर वो पुत्र की देखरेख करे, कहीं ऐसा न हो कि नेवला उसे काट खाए। पत्नी के जाने के बाद देवशर्मा ने सोचा, नेवले और बच्चे में गहरी मैत्री है, नेवला बच्चे को हानि नहीं पहुंचाएगा। ये सोचकर वो अपने सोए हुए बच्चे और नेवले को वृक्ष की छाया में छोड़कर स्वयं भिक्षा के लोभ से कहीं चल पड़ा। दैववश उसी समय एक काला नाग पास के बिल से बाहर निकला। नेवले ने उसे देख लिया। उसे डर हुआ कि कहीं यह उसके मित्र को ना डस ले, इसलिए वो काले नाग पर टूट पड़ा और स्वयं बहुत क्षत विक्षत होते हुए भी उसने नाग के खंड खंड कर दिए। सांप को मारने के बाद वह उसी दिशा में चल पड़ा जिधर देवशर्मा की पत्नी पानी भरने गई थी। उसने सोचा कि वह उसकी वीरता की प्रशंसा करेगी, किंतु हुआ इसके विपरीत। उसकी खून से सनी देह को देखकर ब्राह्मण पत्नी का मन उन्हीं पुरानी आशंकाओं से भर गया कि कहीं इसने उसके पुत्र की हत्या न कर दी हो। यह विचार आते ही उसने क्रोध से सिर पर उठाए घड़े को नेवले पर फेंक दिया। छोटा सा नेवला जल से भारी घड़े की चोट खाकर वहीं मर गया। ब्राह्मण पत्नी वहां से भागती हुई वृक्ष के नीचे पहुंची। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका पुत्र बड़ी शांति से सो रहा है और उससे कुछ दूरी पर एक काले सांप का शरीर खंड खंड हुआ पड़ा है। तब उसे नेवले की वीरता का ज्ञान हुआ। पश्चाताप से उसकी छाती फटने लगी। इसी बीच ब्राह्मण देवशर्मा भी वहां आ गया। वहां आकर उसने अपनी पत्नी को विलाप करते देखा तो उसका मन भी सशंकित हो गया, किंतु पुत्र को कुशलपूर्वक सोते देख उसका मन शांत हुआ। पत्नी ने अपने पति देवशर्मा को रोते रोते नेवले की मृत्यु का समाचार सुनाया और कहा, मैं तुम्हें यहीं ठहर कर बच्चे की देखभाल के लिए कह गई थी, तुमने भिक्षा के लोभ से मेरा कहना नहीं माना, इसी से यह परिणाम हुआ। सीख: बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए।